नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नालंदा से। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह खेत जाने के लिए घर से निकली 17 साल की किशोरी की अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। किशोरी अपनी मां के साथ घर से सुबह करीब 4 बजे निकली थी। लौटते समय मां को लगा कि बेटी पीछे से आ जाएगी, इस कारण महिला घर लौट आई। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिवार किशोरी की खोजबीन करने लगा। उसी दौरान ग्रामीणों ने खंदा में एक लाश मिलने की सूचना दी। परिजनों ने किशोरी की पहचान की। परिजन आशंका जता रहे हैं कि बदमाशों ने गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या की है। घटना का कारण पीडीएस दुकानदार से अनाज नहीं देने का विवाद बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। मृतक के भाई ने बताया कि मां के साथ बहन सुबह घर से निकली थी। मां ये सोचकर वापस लौट आई कि बेटी पीछे से आ जाएगी, मगर बहन नहीं लौटी। कुछ देर बाद उसकी लाश खंदा स्थित एक बोरिंग के कमरे में मिली। मौके पर कुछ डिस्पोजल ग्लास भी मिले, जिसमें शराब का अंश बताया जा रहा है। किशोरी की लाश मिलने के बाद गांव में परिवार की चीख पुकार गूंजने लगी। परिवार पीडीएस दुकानदार और उसके सहयोगियों पर अनाज नहीं देने के विवाद में वारदात का आरोप लगा रहे हैं। थाना अध्यक्ष एसके जायसवाल ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। परिजनों से प्रारंभिक पूछताछ में घटना का ठोस कारण सामने नहीं आ सका है। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।